आजमगढ़ के ग्राम सभा समूहपुर ठेकमा में अखिल भारतीय महासभा सेवा ट्रस्ट द्वारा सदर आजमगढ़ के नव निर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहु का स्वागत 5 जुलाई 2022 को किया गया, जिसमें सांसद दिनेश लाल यादव ने बताया कि आजमगढ़ में सबसे पहला काम रेल मार्ग से शुरू होगा, जो गोरखपुर आजमगढ़ बनारस को मेन लाइन से जोड़ा जाएगा ताकि रुका हुआ विकास आगे बढ़े। कार्यक्रम के बाद सांसद दिनेश लाल यादव और अखिल भारतीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष राजभर ने वृक्षारोपण भी किया। तो वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय महासभा सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष राजभर ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील शास्त्री जी ने किया और संयोजक विजेंद्र सिंह मास्टर रहे। इस मौके पर कोषाध्यक्ष सतीश पांडे, संरक्षक रविन्द्र राजभर, उपाध्यक्ष शोभनाथ राजभर, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र पाठक, समाज सेवी राम सबद भारद्वाज, राम अवध राजभर, ब्रिजेश राजभर, मनोज कुमार, सूर्यभान राजभर, आदर्श राजभर, आकाश राजभर, चंद्रशेखर राजभर आदि मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पवन पुरैया न्यूज पर। सतीश चौहान के साथ आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। सबसे पहला तो काम करेंगे जो आज तक नहीं हुआ, रेल मार्ग से गोरखपुर आजमगढ़ और बनारस को जोड़ना सबसे पहला काम है। क्योंकि आजादी के बाद हमारा आजमगढ़ लगातार पीछे जाने का कारण यह है कि रेल जो मुख्य धारा से जोड़ता है वो हुआ ही नहीं, और वही होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो पहली आवाज तो मैं यही उठाऊंगा जाके कि पहले मेरे आजमगढ़ को बनारस, आजमगढ़ और गोरखपुर मेन लाइन से जोड़ दिया जाए ताकि इसका रुका हुआ विकास आगे बढ़े। पहला काम तो यही है। उसके अलावा आजमगढ़ के सभी 10 विधानसभा की एक एक समस्या, हमारे जो प्रतिनिधि लोग हैं जो चुनाव लड़े हुए हैं सबको ये कह दिया गया है कि आप लोग तो तत्काल लिख करके लाइए, और वो पूरा पूजनी महाराज जी ने वादा किया है कि एक भी काम आजमगढ़ का नहीं रुकेगा। ये जो राजनीति में आए हैं इसका खास उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से? ये उद्देश्य सेवा का उद्देश्य है, और मुझे लगता है कि जिस जनता ने मुझे, मैं यहीं गाय चराता था आपके गांव के बगल में, और गाय चराने वाले लड़के को जनता ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और मुंबई भेज दिया। वहां जाके मैंने फिल्में की, 150 फिल्म करके आया मैं। पूजनीय महाराज जी की नजर पड़ी मुंबई में एक बार किसी कार्यक्रम में, मुझे यूपी गौरव का सम्मान प्राप्त हो रहा था और वहाँ पूजनीय महाराज जी के हाथों से ही मुझे मिल रहा था। उन्होंने मंच पे ही मुझे कहा कि आप आओ, लखनऊ बात करनी है, और मैं गया पूजनीय महाराज जी के पास। तो उन्होंने आदेश किया कि आप फिल्मों में बहुत काम किए, अच्छा काम किए, अब आपको जनता की सेवा करनी है, आप आजमगढ़ जाओ, और उन्होंने मुझे आजमगढ़ भेज दिया। तब से मैं आजमगढ़ लगा। आपने बताया कि 15 सालों का काम 15 महीने में होगा, तो किस प्रकार तैयारी आपकी रहेगी? इसकी तैयारी इस तरह से है कि हमारे, देखिए हम लोग फिल्म जो बनाते हैं वो टीम वर्क से ही चलता है, और टीम वर्क के जादू को मैं जानता हूँ कि टीम वर्क जब होता है तो कितना तेजी से काम होता है। तो हमारी जो पूरी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा जो संगठन है वो बूथ लेवल तक है, और हम हर किसी से हम लोग कनेक्टेड होके, और उस गांव की, उस बूथ की, कहाँ की सड़क खराब है, कहाँ का पुल खराब है, कहाँ पे क्या चाहिए, वो सारा मंगा करके और हम लोग तत्काल उसमें काम चालू करवाएंगे। अखिल भारतीय महासभा सेवा ट्रस्ट द्वारा आज दिनेश लाल यादव का स्वागत समारोह किया गया। सभी आए हुए पदाधिकारीगण, क्षेत्र की जनता, सभी सम्मानित
व्यक्ति मुख्य अतिथिगढ़ सभी लोगों का मैं अपने तहे दिल से अपने अखिल भारतीय महासभा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से सबका आभार व्यक्त करता हूं। दिनेश लाल यादव आजमगढ़ के सांसद, इन्हीं के उपलक्ष्य में इनके स्वागत समारोह में यह कार्यक्रम किया गया था, जिसमें हमारे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और अन्य सभी कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे। यह कार्यक्रम हम लोग सम्मोपुर माता जी का जो मंदिर है वहीं पर निर्धारित किए हुए थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सुनील शास्त्री जी, बाबा जी, पीयूष उपाध्याय जी और विजेंदर मास्टर साहब, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण, दिनेश लाल यादव जो अपने आजमगढ़ के सांसद हैं, उनका स्वागत समारोह गांव के सभी लोग इतना काफ़ी मात्रा में